हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ लॉ। लॉ का बेसिक क्या है, बेसिक ऑफ लॉ पढ़ेंगे और साथ में हम समझेंगे कि यार एक लॉ और एक एक्ट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, आप सीएमए इंटर, सीए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएस इंटर, जो भी आप जिस लेवल पे हो, सबको ये वीडियो बहुत समझना जरूरी है। जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ का बेसिक सबसे पहला आना चाहिए कि एक लॉ कैसे बनता है, एक एक्ट कैसे बनता है। क्या लॉ को ही एक्ट कहते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं, लॉ अलग होता है, एक्ट अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसिक बताने वाला हूं लॉ का कि एक कानून कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको डिस्कस करूंगा कि बेसिक ऑफ लॉ क्या है। ध्यान समझना सर। सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज होती है बहुत सारी। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, मेन मेन जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको हम प्यार से एमसीए कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो बहुत सारी मिनिस्ट्री है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री क्या होती है, अपने अपने मिनिस्ट्री जो होती है, जैसे अगर हम बात करूं, मैं आपको दिखाऊं मिनिस्ट्री हमारी कितनी है। देखो सामने, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री आयुष, केमिकल फर्टिलाइजर, कोल, कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, अपनी अपनी मिनिस्ट्री जो होती है। जैसे कॉर्पोरेट अफेयर, तो ये मान लेते हैं ये क्या करती है, ये कंपनी से रिलेटेड कानून पास करती है, कंपनी से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, तो एमसीए बोलते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड, जैसे डायरेक्ट टैक्स, आप जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो वहां पर जो अमेंडमेंट्स आती है वो फाइनेंस एक्ट के आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वहां पर आती है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री क्या करती है, सबसे पहले बिल बनाती है। बिल, ध्यान समझे, ध्यान समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल बनाती है, जिसको हम, इस बिल के अंदर क्या होता है, एक बुक होती है, बिल बुक होती है, या इसको हम रूल बुक भी कह सकते हैं। बट इस बुक के अंदर क्या होते हैं, सारे रूल्स लिखे होते हैं, कानून लिखे होते हैं। इस बुक के अंदर क्या लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं दोस्तों, ध्यान समझे, रूल्स लिखे होते हैं। अब क्या होता है, ये कौन करती है, मिनिस्ट्रीज करती है, जो जिस चीज में एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कंपनी से रिलेटेड कोई कानून बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इस चीज से रिलेटेड कानून बनाएगी। अगर मान लेते हैं कि टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोग्राम बना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास पावर है, वो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दोनों काम दे रखा उनको। तो अब क्या होगा, रूल बुक जो भी होगी उसके अंदर रूल लिखे जाएंगे। और दोस्तों, ये रूल हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में जाते हैं, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में जाते हैं। ध्यान समझे कि जब आप लॉ पढ़े तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत नॉलेज देने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर आपको। हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जाते हैं, हाउसेस कितने हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, है ना, इसको हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, अब जिसको हम नाम देते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। अब ये रूल बुक क्या होती है, ये जो रूल बुक होती है दोस्तों, ध्यान समझना, ये जो रूल बुक होती है याली बुक, ये जो बुक होती है याली, ये रूल बुक सबसे पहले लोकसभा में जाएगी। अब ध्यान समझना, लोकसभा में जाएगी, और जो बुक लोकसभा में जाती है तो लोकसभा में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको पास करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये एक्ट बनना चाहिए, पास कर देते हैं। जब लोकसभा से पास हो जाता है तो ये ट्रांसफर होती है फिर कहां जाकर, राज्यसभा में, बुक, यही रूल बुक कहां ट्रांसफर होती है, बिल बुक बोल सकते हैं इसमें, जिसके अंदर बहुत सारे क्या कहते होते हैं, रूल होते हैं, कानून लिखे होते हैं, और ये बुक जाती है राज्यसभा में। जब ये राज्यसभा में पास हो जाती है, पास होने का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन एग्री विद दिस रूल, कि भाई ये रूल आना चाहिए इंडिया के अंदर, तो जितने मेजोरिटी पर्सन होते हैं वो एग्री हो जाते हैं, तो ऐसे पास हो जाती है। तो भाई जो बुक है पहले लोकसभा में जाएगी, लोअर हाउस में, लोकसभा लोअर हाउस में जाएगी, वहां पर अगर वो पास नहीं हुई तो राज्यसभा में नहीं जाएगी। तो पहले कहां जाएगी,
पहले रूल बुक बनाएगी मिनिस्ट्री, जो अपने आप में एक्सपर्ट है वो बनाएंगे, उसमें कानून लिखेंगे कि ये कानून आना चाहिए इंडिया के अंदर, और वो कानून लॉ के लोकसभा में जाएंगे, वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पर्सन अगर एग्री है तो वहां से वो पास हो जाती है। फिर ये कहां जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में, और राज्यसभा में अगर मेजोरिटी ऑफ द पर्सन है तो वहां से भी पास हो जाती है। जब ये दोनों जगह से, दोनों हाउसेस से पास हो जाती है, तो ये बुक जाती है फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, और वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें अपना एसेंट देते हैं, जिसको हम एसेंट को बोलते हैं, साइन करते हैं, एसेंट को देते हैं, और एसेंट को हम बोलते हैं साइन करते हैं और स्टैंप लगाते हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने एसेंट देते हैं, मतलब साइन और स्टैंप कर देते हैं, तो वो रूल बुक बन जाता है एक्ट। ध्यान सुनना, वो रूल बुक बन जाती है एक्ट, वो रूल बुक एक्ट बन जाता है। तो सर ये एक्ट कैसे बनता है, आपको समझ में आया? पहले क्या होता है, अपने अपने मिनिस्ट्री के जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने रूल बुक बनाते हैं, जो जिस पे एक्सपर्ट है फाइनेंस रिलेटेड रूल बनाएंगे, और वो एक्ट और रूल बुक कहां जाएगी, पहले जाएगी लोकसभा में, वहां से पास हो जाएगी तो जाएगी राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होगी तो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब एसेंट दे देते हैं तो वो रूल बुक बन जाता है एक्ट। और जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो दोस्तों हम लॉ पढ़ते हैं एक्ट, उसके अंदर आता है। आपने देखा होगा, अगर आपने लॉ की बुक उठाई होगी तो आपकी बुक का नाम एक्ट है या लॉ है, लॉ है सर, तो आप लॉ पढ़ते हो, तो लॉ के अंदर बहुत सारे एक्ट होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये तो हुआ एक्ट, अब समझ में आया, ध्यान समझना एक्ट। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं, कानून लिखे होते हैं, जो अब मानना पड़ेगा हर इंडिया के सिटीजन वालों को, रेसिडेंट्स को जो रहने वाले हैं उनको मानना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब ये एक्ट क्या होता है, एक्ट लागू हो जाता है, जैसे कि हमने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, तो जीएसटी लागू हुआ था, जब उसको तो मानना पड़ा। अब क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं, एक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, या कुछ ऐसी बातें जो कानून में नहीं लिखी और उससे डिस्प्यूट आ गए, तो क्या होता है, पर्सन के बीच में पर्सन डिस्प्यूट्स आने लग जाते हैं, डिस्प्यूट मतलब झगड़े होने लग जाते हैं। झगड़े क्या होते हैं, दो चीजों से हो जाते हैं, या तो एक्ट में जो लैंग्वेज लिखी गई है उसका इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं हो पा रहा, या एक तो इस वजह से डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई कोई उस एक्ट लैंग्वेज को कुछ और समझ रहा है, कोई उस लैंग्वेज को कुछ और समझ रहा है। मान लो मैं उस लैंग्वेज को कुछ और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं एक पर्सन, मैं लैंग्वेज को कुछ और तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, और कोई दूसरा पर्सन या दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इस वजह से डिस्प्यूट आ जाता है। तो जितने भी डिस्प्यूट आते हैं, और दूसरा डिस्प्यूट रहेगा कि मान लो मेरा कोई ऐसी सिचुएशन आई जो उस एक्ट के अंदर नहीं लिखी, तो तब डिस्प्यूट आ जाते हैं। ध्यान समझना, अगर डिस्प्यूट आते हैं एक्ट बनने के बाद, उस एक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आते हैं, तो वो जाते हैं कहां पर, वो जाते हैं हाईकोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो कहां जाते हैं दोस्तों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ध्यान समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। मैंने आपको एक्ट समझाया, अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। एक्ट बनने के बाद पर्सन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या पर्सन टू पर्सन, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू पर्सन, डिस्प्यूट्स आने लगते हैं, या तो एक्ट की लैंग्वेज को इंटरप्रेट ढंग से नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जो उस कानून में नहीं लिखी, तो डिस्प्यूट आ जाते हैं। तो वो डिस्प्यूट कहां जाते हैं, या तो हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कहां पर होते हैं, स्टेट्स में, और अगर हाईकोर्ट स्टेट में होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया लागू होता है, जो भी हो। अब उस डिस्प्यूट से रिलेटेड मान लो कोई डिस्प्यूट आया कि मान लो टैक्स जो भरना है वो 31 जुलाई तक भरना है, वहां पर इंटरप्रिटेशन था 31 जुलाई बिफोर लिखा था, ऑन नहीं लिखा, या उस दिन भी भर सकते हैं या उस दिन भी, ऐसा कोई डिस्प्यूट आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहां पर भी ये डिस्प्यूट गया होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पर भी डिस्प्यूट गया होगा, वो अपना डिसीजन देते हैं, डिसीजन देते। ध्यान समझा दोस्तों, क्या हो रहा है, किसी भी सिचुएशन में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, कैसे डिस्प्यूट अराइज होंगे, झगड़े कैसे होंगे, दो चीजों की वजह से, एक कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन उस एक्ट में नहीं बता रखी, तब करा क्या करा जाएगा इस चीज से रिलेटेड, या वो पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में उस एक्ट में लिखी तो है पर लोग उस एक्ट के इंटरप्रिटेशन को गलत कर जाते हैं, लैंग्वेज को गलत इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कि भाई मैं अलग समझ रहा हूं, अलग समझ रहे हैं, और दूसरा बंदा अलग समझ रहा है,
तो ऐसे जब झगड़े होते हैं तो झगड़े जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो उनका डिसीजन आता है। अब मान लो सिचुएशन जो भी है, तो इससे रिलेटेड जो इस सिचुएशन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट आया, इस सिचुएशन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट आया, अब फ्यूचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन कोई भी अराइज हुई तो ऐसी सिचुएशन का आंसर ये होगा, ऐसी सिचुएशन का आंसर ये होगा, क्योंकि एक्ट में तो नहीं लिखा, पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी डिस्प्यूट से, मान लो एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट आया, उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब ऐसी रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो डिसीजन यही फॉलो करा जाएगा हर एक चीज में, दैट इज कॉल्ड केस लॉ, इसको हम नाम देते हैं केस लॉ। और आपने चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे फाइनल लेवल में जाओगे, तो वहां पर आपने केस लॉ भी पढ़े थे। जैसे आपने, मैं बात कर लेता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बालफर वर्सेस बालफर का केस पढ़ा था आपने, स्मोक बॉल कंपनी वाला केस पढ़ा था आपने, तो बालफर वर्सेस बालफर, स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस, है ना, तो ये आपने केसेस पढ़े थे, तो वो केस लॉ भी आपने एक्ट के अंदर पढ़े थे, आपने लॉ की बुक के अंदर ही पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पढ़े थे। तो केस लॉ क्या होते हैं, एक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। सबसे पहले बुक बनाई जाती है मिनिस्ट्री द्वारा, वो बुक एक जना नहीं बनाता, बहुत सारे मिलकर बनाते हैं, सब दिमाग लगाते हैं, मिलकर बनाते हैं, वो बुक लोकसभा में जाएगी वहां पास होगी, राज्यसभा में जाएगी वहां पास होगी, पास होने के बाद कहां जाएगी दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रूल बुक को एसेंट देते, अपनी स्टैंप दे देते हैं या साइन कर देते हैं, तो वो बुक बन जाती है एक्ट। ठीक, अब एक्ट बनता है तो लोगों को जाता है, लोगों को मानना पड़ेगा। अब वहां एक्ट से डिस्प्यूट होने लग जाते हैं, झगड़े होने लग जाते हैं, या तो उस एक्ट में वो सिचुएशन जो अराइज हुई, एक डिस्प्यूट आ रहा है, सिचुएशन आ रहा है कि भाई ये इसमें क्या करे, तो वो उस एक्ट में लिखा होगा तो उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया होगा, या उस एक्ट में लिखा ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है भाई इतना टैक्स बनता है आपका, हम कह रहे नहीं, कानून के हिसाब से इतना टैक्स बन रहा है हमारा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है इतना टैक्स बनता है 1 लाख, हम कह रहे नहीं 1 लाख नहीं 95,000 बन रहा है, तो यहाँ डिस्प्यूट आ जाएगा, तो कोर्ट में जाएगा केस, तो वहां पर डिसीजन होगा। अब जिस पे भी वो जाएगा, चाहे वो उस पर्सन के हिसाब से जा रहा है 95 पे जा रहा है, अब जो भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आएगा, दैट इज कॉल्ड केस लॉ। अब ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे सिमिलर डिस्प्यूट के लिए यही केस लॉ अप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये केस लॉ जो अप्लाई होगा, मान लो कि टैक्स बनना था 95,000 और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई नहीं 1 लाख बनना है टैक्स, तो डिसीजन आया कि नहीं डिपार्टमेंट सही कह रहा है, तो अब से जितने भी लोग हैं, अब आपको उसी तरीके, जो भी आपके पास लॉ था, जो भी आपके पास टैक्स भरने का टाइम था, वो 1 लाख ही माना जाएगा, ऐसे सिचुएशन के अराइज कर रहा हूं मैं। तो अब उस रिलेटेड सिचुएशन से सिमिलर रिलेटेड सिचुएशन में यही केस लॉ अप्लाई होगा, तो यही माना जाएगा। एक्ट में तो नहीं लिखा ना ये बात, पर इसके लिए अलग गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने केस लॉ दिया। अब हाई कोर्ट जब भी डिसीजन देता है तो वो पर्टिकुलर स्टेट में लगता है, ये बात ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो ऑल ओवर इंडिया लगता है, बट जब हाई कोर्ट कोई डिसीजन देता है वो पर्टिकुलर स्टेट में लगता है, तो स्टेट वाइज अप्लाई होता है। मान लो यूपी में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, कुछ डिसीजन दिया, तो वो यूपी में ही लगेगा। अब दिल्ली स्टेट उसको अप्लाई कर रही है तो वो दिल्ली स्टेट अप्लाई कर सकती है, तो ऐसे स्टेट टू स्टेट अप्लाई होता है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वो केस लॉ पूरी ऑल ओवर इंडिया लगेगा, हर स्टेट अप्लाई करेगा। यहां तक समझ में आया? तो एक होता है दोस्तों एक्ट, बनना समझ में आ गया, एक होता है केस लॉ, वो भी हमने पढ़ा था। आज दूसरी सुनो, अभी आपको पता है कि दोस्तों रूलिंग पार्टी कौन है सत्ता में, कौन है बीजेपी। अभी की बात कर रहा हूं, करंट सिचुएशन में अभी रूलिंग पार्टी कौन है बीजेपी। तो दोस्तों जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, जो पूरी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट को चला रही होती है, इंडिया को चला रही होती है, दैट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। और जो मेजोरिटी, आपको पता है रूलिंग पार्टी कैसे आपके इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में मेजोरिटी जो जीतता है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। आप जरा जांच, इनको एक अलग पावर मिली गई। अब ये पावर क्या है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है दोस्तों, इसलिए इनके पास एक पावर है कि ये रूल बना सकते हैं बिना किसी से पूछे। ध्यान सुनो, एक्ट और रूल में डिफरेंस क्या है। रूलिंग पार्टी सर रूल बना सकती है, इनके पास पावर है कि बीजेपी अपने रूल ला सकती है। ध्यान समझना, अपने रूल ला सकती है। अच्छा, रूल ला सकती है मतलब कुछ भी बना सकती है कानून। हाँ सर, कुछ भी बना सकती है, पर कैसे समझो, एक्ट और रूल में डिफरेंस क्या है। अब जो लोकसभा और राज्यसभा का सेशन होता है दोस्तों, ये हर पूरे साल नहीं बैठते, ये साल के अंदर 3 बार बैठे जाते हैं। ध्यान समझना,
तीन बार बैठे जाते हैं। अच्छा एक्ट के अंदर लिखा होता है, एक्ट के अंदर आप देख, आप कभी भी कानून पढ़ोगे ना, कहीं भी कानून पढ़ोगे तो वहां पर एक लाइन लिखी होती है एज, एक्ट के अंदर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप जब भी कोई कानून पढ़ोगे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, तो वहां पर एक लाइनें लिखी होती है, कहीं पर भी किसी भी लॉ के अंदर लाइन लिखी होगी, मान लो कोई सेक्शन है उसके अंदर लाइन लिखी होगी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब करा जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्ट के अंदर कहीं कहीं जगह पर किसी किसी सेक्शन में लिख दिया जाता है कि अगर ये तो कानून है ही, और साथ में एक पॉइंट और जोड़ दिया जाता है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लाती है तो वो भी मानना पड़ेगा, ऐसे एक्ट में लिख दिया जाता है। तो रूलिंग पार्टी जो होती है वो वहां पर, उसके पास पावर होती है, वो रूल बना सकती है। ध्यान समझना, मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत जगह एक्ट के अंदर लिखा होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लेते हैं कि एक सेक्शन है, मान लेते हैं कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, अच्छा हमने कहा ये पर्टिकुलर सेक्शन 24 किसी भी एक्ट का, कोई भी एक्ट, हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि एज मे बी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, कह रहा है ये पर्टिकुलर सेक्शन कहां पर होगा, एक्ट के अंदर होंगे। सेक्शन हमेशा कहां होते हैं दोस्तों, एक्ट के अंदर होते हैं। एक्ट बन गया, कानून बन गया, कानून के अंदर सेक्शन होंगे, और सेक्शन के अंदर क्या लिखा होगा, रूल्स लिखे होंगे। पहला रूल, ये पर्टिकुलर सेक्शन, मैं कह रहा हूं एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, ये सेक्शन कहां पर अप्लाई होगा और कहां नहीं होगा। हमने कहा ये हर जगह अप्लाई होगा, तीन जगह पर नहीं होगा। पहला हमने कहा मान लेते हैं दिल्ली में नहीं होगा, मान लेते हैं यूपी में नहीं होगा, मान लेते हैं और स्टेट ओडिशा में नहीं होगा, ठीक है, तीन जगह। और चौथा पॉइंट लिख दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और भी यहां पर डाल सकती है, इसलिए कह रहा हूं। मैंने कहा सेक्शन 24 तीन जगह अप्लाई नहीं होगा, दिल्ली में, यूपी में, ओडिशा में, ऐसी मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और चौथे पॉइंट में लिख दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास पावर होता है कि वो चौथे पॉइंट में और स्टेट का नाम डाल सकती है कि ये 24 सेक्शन जो भी होगा, जिस चीज का भी होगा, वो उस स्टेट पर अप्लाई नहीं होगा। तो रूलिंग पार्टी आई, रूलिंग पार्टी का आज के बाद से ये पर्टिकुलर एक्ट मुंबई में भी अप्लाई नहीं होगा। तो बस, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसकी है, रूलिंग पार्टी की। एक्ट बना, एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होगा, एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होगा। बट रूल बनाने के लिए कोई लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन नहीं चाहिए, बस रूलिंग पार्टी ने अगर बोल दिया कि ये रूल बनना चाहिए तो वह। बट इसके कंडीशन है, कहां रूल बन सकता है दोस्तों, कहां रूल बन सकता है, ये एक्ट में लिखा हुआ है। अगर सेक्शन 25 में लिखा है, मान लो सेक्शन 25 है, और वहां पर ऐसी चौथी लाइन में कहीं लिखा कि एज मी प्रिस्क्राइब, तो वहां रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये हो गया रूल। हमने तीन चीज सीखी, एक्ट बनता है परमिशन से, कैसे, लोकसभा की परमिशन चाहिए, लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होनी चाहिए, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो साइन कर देते हैं, तो एक्ट बन गया। जब लोकसभा और राज्यसभा पास कर ले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी साइन कर लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में पास करने के बाद जब ये दोनों पास कर देते हैं तो वहां पर एक्ट बन जाता है प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद। एक्ट में कहीं कहीं प्लेस में ये लिखा होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यहां पर रूल ला सकती है। तो रूल कौन लाएगा, रूलिंग पार्टी, जैसे बीजेपी जो सत्ता में होगी, जो गवर्नमेंट चला रही होगी, तो रूलिंग पार्टी रूल ला सकती है। पर कहां ला सकती है, अच्छा रूल लाने के लिए कोई भी परमिशन नहीं चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए। रूल लाया जा सकता है कैसे, रूल ला सकता है कहीं, कोई भी ला सकता है रूल सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है रूल, जो रूलिंग पार्टी होगी वो रूल लेकर आएगी, उसके लिए कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, ना राज्यसभा की ना लोकसभा की, ठीक है, सॉरी। और रूल के लिए कंडीशन है कि हर जगह रूल नहीं, ऐसे तो कुछ भी बना देगी, फिर एक्ट बनने का फायदा ही क्या है, इसलिए वहां पर कंडीशन भी लगाई कि जहां जहां एक्ट में ये लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वही रूल लाया जा सकता है और कहीं लाया जा सकता है, ये कंडीशन भी लगाई। तो समझो अगर रूलिंग पार्टी को ज्यादा ही पावर दे दी, हाँ पावर दी, क्या दी, जहां जहां एक्ट में लिखा है कि यहां पर रूल आ सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूलिंग पार्टी ला सकती है रूल। बट अगर रूलिंग पार्टी को पावर देगी भाई तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा भी कानून ना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, फिर एक्ट कैसे बनेंगे, फिर तो जो सत्ता बैठेगी तो कुछ भी कर देगी, अपोजिशन पार्टी का फायदा क्या है, वो कुछ भी लेगी जो उनका मन करेगा, इसलिए रूल की पावर दी तो गई, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन लाया नहीं जाता। बट रूल कहां पर अप्लाई होंगे, जहां जहां एक्ट के अंदर जोन सा सेक्शन कहता है,
कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वही रूल लाया जा सकता है और कहीं नहीं लाया जा सकता। आया समझ में? मान लो एक एक्ट के अंदर चार सेक्शन में लिखा हुआ है बस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बस उसी चार सेक्शन में रूल लाया जा सकता है और बाकी के जो रिमेनिंग सेक्शन होंगे उनमें रूल नहीं अप्लाई हो सकता, जो एक्ट है वो एक्ट ही रहेगा। एक्ट चेंज होगा फिर राज्यसभा और लोकसभा पास होगा कि नहीं इसको थोड़ा चेंज करते, तब रूल लाने की पावर वहीं पर है जहां पर सेक्शन कहेगा और कैसे कहेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने आपको तीन चीजें सिखाई दोस्तों, एक एक्ट, एक केस लॉ केस स्टडी या केस लॉ और एक रूल, ठीक है दोस्तों। और ये तीन चीज से मिलकर बनता है लॉ, और हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लॉ। इसलिए मैंने कहा लॉ और एक्ट में डिफरेंस है, लॉ बनता है एक्ट, एक्ट से प्लस केस लॉ से प्लस रूल से। और भी बहुत कुछ होते हैं दोस्तों बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक अच्छा रहेगा, आगे की बात अभी नहीं आएगी। जैसे इसके अंदर आता है नोटिफिकेशन, गैजेटेड, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें होती है बट अभी के लिए अगर रूल समझो और भी होता है, एक्सेट्रा भी लिख देंगे यहाँ पर, अभी होता है बट अभी के लिए जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि सीएमए इंटर, सीए इंटर, फाउंडेशन के अंदर ये तीन बातें जरूर आती है। तो जब भी आप कोई कानून पढ़ो तो तीन चीज आपको मिलेगी, जब भी आप लॉ पढ़ोगे तो तीन चीज, मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपके पास एक्ट हो गया, केस लॉ होते हैं बाल्फर वर्सेस बाल्फर, स्मॉल बॉल, और वहां पर रूल भी होंगे आपको लिखा होगा, देखना आप ध्यान से अगर पढ़ोगे ना अपना स्टडी मटेरियल, अगर एक्ट पढ़ते हो स्टडी मटेरियल को ढंग से पढ़ते हो जो इंस्टीट्यूट द्वारा मिला होता है, तो वहां पर लिखा होता है पॉइंट में कहीं कहीं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो वहां पर रूल आ सकते हैं। तो लॉ क्या होता है और एक्ट क्या होता है, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। एक्ट, एक्ट लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाते हैं, लॉ का मतलब है एक्ट भी है, केस लॉ भी है और रूल भी है। लॉ का मतलब अगर ये एक्ट कहेगा मानना पड़ेगा, केस लॉ जो भी आएंगे उनको भी मानना पड़ेगा और जो रूल आएंगे उनको भी मानना पड़ेगा, कानून इसे कहते हैं दोस्तों। इसलिए आज की इस छोटी वीडियो में मैंने आपको समझाया कि एक्ट और लॉ दोस्तों एक नहीं होता, लॉ एक वाइडर टर्म है, एक्ट एक नैरो टर्म है, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, केस लॉ केस स्टडी जो आप सीखोगे कि भाई केस स्टडी क्या होती है, जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिसीजन जो होता है तो उसी से रिलेटेड, उसी सिमिलर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी आप आगे चलेगा तो वही केस लॉ अप्लाई होगा, वो मानना पड़ेगा। तो लॉ मींस भाई ऐसी चीज जो पर्टिकुलर कंपलसरी आपको माननी पड़ेगी, तो एक्ट केस लॉ और रूल, और जैसे आगे होते हैं नोटिफिकेशन गैजेटेड वगैरह जो होते हैं तो वो भी आएगा, बट अभी के लिए सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्ट केस लॉ प्लस रूल मिलकर बनता है लॉ। आया समझ में? नहीं आया? क्या समझ में आया एक्ट कैसे बनता है? क्या समझ में आया एक्ट बनने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो लॉ एक्ट में नहीं लिखी होती, या वो कहानी लिखी होती दोस्तों, वो एक्ट में नहीं लिखी होती या वो कहानी लिखी होती दोस्तों, या उसका इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं हो पा रहा होता है, तो किससे क्या होता है डिस्प्यूट होते, तो केस लॉ आते हैं, केस लॉ भी मानना पड़ेगा। और रूल्स कहाँ अप्लाई होंगे, रूलिंग पार्टी के पास पावर है, जो रूल में होती है सत्ता में होती है पावर है कि वो रूल ला सकती है, और ये वही अप्लाई होंगे जहां पर एक्ट कहेगा। और एक्ट कैसे कहता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर होते हैं रूल, कहाँ लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो इंस्पेक्शन है, कोई भी सेक्शन मैंने खोला है, ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है सेक्शन 66 provide that the register of firm shall be open to the inspection of by any person or payment of such fees, उस fees की payment as may be prescribed, वो fees की payment कितनी करनी है जो central government कहेगी वो, all the statement notice intimation file shall be open to the inspection of such to condition on the payment such fees or as may be prescribed। आ रहा समझ में दोस्तों? कितनी जगह लिखा है, 106 जगह, आगे दिखाते हैं और रुक जाओ, देखो एक्सरसाइज सच अदर पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, देखो ऐसे, तो जहां जहां एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा होता है लॉ है, मैंने ये लॉ की बुक खोली आपकी, सी एज मे बी लॉ आप एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो दोस्तों इसे ही लॉ कहते हैं। लॉ मींस केस स्टडी, एक्ट और रूल, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको बिल्कुल से थोड़ी मदद मिली तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ लाइक करें कमेंट करके,
आप पूछ सकते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पर आपको मैंने एक बेसिक ऑफ लॉ जरूर बताया है एज मे प्रिस्क्राइब। आप जब भी आपको आपका याद रहेगा, या अगर वीडियो आपने ढंग से देखी होगी तो आपको बिल्कुल जब भी आप कानून पढ़ोगे वहां पर लिखा होगा ना, कोई टीचर आपको पढ़ाएगा या आप खुद से पढ़ते हो लिखा होगा एज मे प्रिस्क्राइब, तो समझ जाओगे यहाँ पर रूल अप्लाई हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत जरूरी थी ये वीडियो, क्यों जरूरी थी, क्योंकि आपका एक स्टार्टिंग है, आप स्टार्टिंग कर सकते हो, आप लॉ की बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कहाँ एक्ट कहाँ केस लॉ सारा कुछ मानना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे मैं इसी तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ला के लूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।